नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योण जिनं वीरं अनन्तो अरणान दंसन सहावं गोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदं। 39 नंबर की गाथा चल रही है, इसमें निर्विकल्प तत्व के स्वरूप का कथन चल रहा था। इसमें पहले ये बात हो गई कि आत्मा का स्वभाव त्रिकाल निरूपाधि है। ऐसा जो आत्म स्वभाव है, जीवास्तिकाय है, शुद्ध जीवास्तिकाय, उसमें विभाव स्वभाव स्थान माने रागादि उदयिक भाव है ना, जो विकार, विभाव का मतलब दो अर्थ में विभाव शब्द आएगा शुद्ध भाव अधिकार में, विशेष भाव के अर्थ में भी विभाव शब्द आता है और विकार के अर्थ में भी विभाव शब्द आता है। यहां विकार के अर्थ में विशेष ये विभाव शब्द का प्रयोग है, ये चर्चा कल हो गई थी। और दूसरा आ गया था कि शुद्ध जीवास्थि काय को क्या नहीं है, कि प्रशस्त और अप्रशस्त समस्त मोहराग देश का अभाव होने से मान अपमान के हेतुभूत कर्मोदय के स्थान नहीं है। यहां तक चर्चा अपनी हो गई थी, आज इसका तीसरा बोल और चौथा बोल देखिए। शुद्ध जीवास्ति काय को शुभ परिणति का अभाव होने से शुभ कर्म नहीं है, एक बात, और शुभ कर्म का अभाव होने से संसार सुख नहीं है, दूसरी बात, और संसार सुख का अभाव होने से हर्ष स्थान नहीं है, पहली बात। तीन बातें आ गई इसमें कि जो शुद्ध जीवास्थि काय है उस शुद्ध जीवास्थि काय में शुभ परिणति कषाय की मंदता रूप जो शुभ परिणति है वो शुद्ध जीवास्थि काय में नहीं है। एक समय की पर्याय में भले हो लेकिन शुद्ध जीवास्थि काय में उस परिणति का अभाव है। चर्चा काय की चल रही है, स्वभाव में क्या नहीं है और स्वभाव में क्या है, तो स्वभाव में शुभ परिणति का अभाव है। और जब शुभ परिणति का अभाव होगा तो स्वभाव में, फिर जब शुभ परिणति का अभाव है तो स्वभाव को शुभ कर्म नहीं है। शुभ कर्म माने शुभ परिणति के निमित्त से बनने वाले सातावेदनीय आदि कर्म के वो कर्म माने द्रव्य कर्म रूप वो कर्म नहीं है। और तीसरा कि जब शुभ कर्म का अभाव है, जब शुभ कर्म नहीं है तो शुभ कर्म से क्या प्राप्त होता है, सातावेदनी आदि से क्या प्राप्त होता है, तो कहते संसार सुख। संसार सुख माने लौकिक सुख, जिसे अपन इंद्रिय जनित सुख बोलते हैं, अतिंद्रिय सुख की बात नहीं, संसार सुख माने जिसे संसार में सुख नाम से जाना जाता है, है तो दुख वास्तव में लेकिन उसे संसार के लोग सुख के नाम से जानते हैं, तो ऐसा उसमें संसार सुख नहीं है। और संसार सुख नहीं है तो क्या है कि संसार सुख का अभाव होने से हर्ष स्थान नहीं। भाई हर्ष कब होता है अपने को, कि जब अनुकूलता की कोई प्रसंग अपने जीवन में बने, बाहर में अनुकूलता का प्रसंग बने तो हर्ष होता है। अनुकूलता का प्रसंग कब बनता है, कि जब साता कर्म का उदय हो। साता कर्म का उदय कब होता है, कि जब साता कर्म बंधा हो। साता कर्म कब बंधेगा, कि जब शुभ परिणति हो। आ गया, माने इसमें चार चीजें ली, शुभ परिणति का अभाव माने भाव कर्म का अभाव, शुभ परिणति से बंधने वाले द्रव्य कर्म का अभाव माने द्रव्य कर्म नहीं, और तीसरे नंबर पे लिया कि जब द्रव्य कर्म नहीं है तो संसार सुख माने नो कर्म का अभाव, और संसार सुख नहीं है तो फिर हर्ष स्थान नहीं है, माने वापस उसमें लक्ष्य करके हर्षित हो, ऐसा हर्ष स्थान भगवान आत्मा में नहीं है। ये आ गया, मैंने वो आत्मा कैसा है कि शुभ भाव यानी शुभ परिणति
शुभ कर्म, संसार सुख और उससे होने वाले हर्ष स्थान से रहित है, दूर बढ़ता था। शुद्ध जीवास्तिक काय के अस्तित्व में शुभ परिणति नहीं आती तो कर्म तो कहां से आएंगे, और जब कर्म भी नहीं है तो नो कर्म रूप संयोग तो कहां से आएंगे, तो फिर जीव को कोई हर्ष का स्थान नहीं रहता। ये यहां पे कहना है हमको, माने ऐसा जीव स्थान। अब इसी को उल्टा कर दो और शुद्ध जीवास्थि काय को अशुभ परिणति का अभाव होने से अशुभ कर्म नहीं है, माने अशुभ परिणति माने पाप परिणति, जो बोलते हैं ना पाप भाव, तो पाप भाव नहीं है, और पाप भाव नहीं है तो असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म नहीं है। क्योंकि देखो दो बातें समझना है कि घाटिया कर्म तो एकांत पाप रूप होते हैं, ज्ञानामणि, दशनामणि, मौनी और अंतराय, ये जो चार घाती कर्म होते हैं ना ये तो सर्वथा पाप रूप है, इनमें पुण्य और पाप का कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आत्म स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं, ज्ञान का घात करने में, दर्शन का घात करने में, सम्यक और चारित्र का घात करने में, और आत्म बल का घात करने में ये निमित्त होते हैं। और आघाती कर्म केवल संयोग को जुटाने में निमित्त होते हैं, माने संयोग की उपलब्धि, जो जिसे लोक में अनुकूल संयोग कहा जाता है नहीं कोई अनुकूल, और लोक में जिसे प्रतिकूल संयोग कहा जाता है तो उसमें निमित्त भूत आघाती कर्म होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा ये सोचे कि मेरे लाने से संयोग आते हैं और मेरे मैंने भेजने से संयोग चले जाते हैं, मैं अपनी इच्छा के अनुसार संयोगों को जुटा सकता हूं और जो मुझे पसंद नहीं हो उन संयोगों को मैं अपनी इच्छा के अनुसार हटा सकता हूं। कहते इस बात के लिए जैन दर्शन में कोई जगह नहीं है, माने आत्मा संयोग में उपादान तो है ही नहीं, संयोग लाने का उपादान तो आत्मा है ही नहीं, कोई भी संयोग आया तो उस संयोग का उपादान तो आत्मा है ही नहीं, क्यों? संयोग का उपादान तो वो संयोग अपनी क्रियावती शक्ति से आया तो वो संयोग है, और उसमें निमित्त भी वास्तव में आत्मा नहीं है। निमित्त कौन है उसमें? तो उसमें निमित्त है साता वेदनी आदि कर्म, यानी आत्मा उपादान तो है ही नहीं, संयोगों के लाने और हटाने में, आने और जाने में आत्मा निमित्त भी नहीं है। आत्मा निमित्त नहीं, इतना नहीं, आत्मा का द्रव्य निमित्त नहीं, आत्मा का गुण निमित्त नहीं, और आत्मा की विकारी पर्याय भी निमित्त नहीं। विकारी पर्याय किसका निमित्त है? कि विकारी पर्याय कर्म के बंध का निमित्त है, कर्म बंधेगा उसमें विकारी पर्याय निमित्त है, द्रव्य गुण उसमें भी निमित्त नहीं। समझा गया क्या कहा? द्रव्य गुण तो अज्ञानी का द्रव्य गुण भी कर्म बंध में निमित्त नहीं है, एक समय की अज्ञानी की पर्याय, मतलब विकारी पर्याय कर्म बंध में निमित्त, और कर्म बंध संयोगों की उपलब्धि में निमित्त। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा के लाने से और आत्मा के हटाने से न संयोग आते हैं और न संयोग जाते हैं, उपादान नहीं, निमित्त भी नहीं है। आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? भाई कारण तो दो ही होते हैं, एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। अब ये निमित्त कारण भी नहीं और उपादान कारण भी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा संयोग का कारण ही नहीं, सुनने उसे है नहीं। और जब किसी संयोग, कोई संयोग आत्मा में आते नहीं, आत्मा में जाते नहीं, आत्मा में से जाते नहीं, क्यों? आते ही नहीं तो जाते नहीं, तो फिर आने पर हर्ष क्यों हो आत्मा को? पड़ोसी की लॉटरी खुली और लापसी अपने यहां बने, ये कहां का न्याय हुआ? नहीं। और मरा किसी के यहां और छाती माथा अपने यहां हो, अपनी भाषा में बोलते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो पड़ोसी का वो संयोग तो पड़ोस में आया, मतलब पुद्गल में आया, वो संयोग कहां आया बताओ? संयोग पौद्गलिक है, तो पौद्गलिक संयोग पुद्गल में ही आते हैं, आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में नहीं आते, और आत्मा अपने को उनका मालिक मान करके बैठा है। ये बताना है उनको कि तुम क्या मान के बैठे हो, तुम तो, तुम्हारे में विकारी पर्याय का भी अभाव है। क्यों? देखो हर्ष स्थान कह दिया ना यहां पे, तो हर्ष स्थान और अहर्ष स्थान क्या है? ठीक है, ये विकारी पर्याय, तो कहते हैं कि वो भी तुझ में नहीं है,
तू ऐसा शुद्ध तत्व है कि तू विकार का कारण नहीं, तू कर्म का कारण नहीं, तू संयोग का कारण नहीं। आगे समझे, ऐसा जो शुद्ध जीवास्तिकाय है तो वो यहां पे कह रहे हैं अशुभ कर्म का, अशुभ अभी क्या हुआ कि अशुभ परिणति नहीं है, तो अशुभ परिणति नहीं होने से अशुभ कर्म नहीं है, मतलब असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म बोलते हैं ना उनको, और अशुभ कर्म का अभाव होने से दुख नहीं है। दुख माने संसार दुख, प्रतिकूलता का जिसे दुख लगता है ना, तो वो भी तेरे स्वभाव में नहीं, तू उसका कारण भी नहीं, मैंने ध्यान नहीं रखा इसलिए ऐसा हो गया, मैं ध्यान रखता तो ऐसा हो जाता, कि तेरे ध्यान रखने नहीं रखने से संयोग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आना है संयोग वो आते हैं, और जो संयोग जाना है वो जाते हैं, है ना। राजा वो अपने वेना सुंदरी का दृष्टांत आता कि नहीं आता, राजा बहुपाल ने उससे ही तो पूछा था, तो उसने क्या उत्तर दिया, तो मेरे ये तो कर्म का उदय होगा, वैसी तदनुसार व्यवस्था होगी, तुम क्या करते हो उसमें, तो कह मैं तुम मेरे घर में पैदा हुई, मैं तुमको इतना सब मतलब राजसी ठाट बाट से रखता हूं, तो उसका उत्तर क्या था मैना सुंदरी का, ये मेरा पुण्य का उदय था कि तुम्हारे घर में पैदा हुई। अब राजा का माता ठनक गया कि इसको दिखाता हूं मैं भाग्य चक्र क्या होता है, तो सबसे सड़ा गला कोडी है ना, उसके साथ में उसकी शादी कर दी, और मैना सुंदरी ने सहर्ष स्वीकार किया, और जिसको कोडी समझ करके राजा ने शादी की थी मैना सुंदरी को दुखी करने के लिए, वो तद्भव मोक्षगामी कामदेव निकला। अब बोलो संयोग, वो राजा तो नहीं जुटाने गया था कामदेव वाला संयोग है, तद्भव मोक्षगामी, और 63 सलाका पुरुषों में कामदेव होते कि नहीं, वो सलाका पुरुष निकला, बोलो अभी। अब राजा तो नहीं जुटाने गया था, और मैना सुंदरी ने भी कोई ऐसा विकल्प नहीं किया था, कौन लाएगा, कौन लाएगा संयोग, आ गया ना, ये सब व्यवस्था है ऐसी। तो उसे अभाव होने से दुख नहीं है। अब हम क्या करते हैं, खाली कहानी पढ़ते हैं ना, अब कहानी को अप्लाई करो, हमने एक कहानी पढ़ ली, अब ये कहानी पढ़ने के बाद इसमें द्रव्यान योग का क्या सिद्धांत छिपा है, है? कि संयोगों को लाना और हटाना आत्मा के अधिकार की बात नहीं है, उनमें आत्मा निमित्त भी नहीं है, उपादान होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई भी का कोई संयोग जगत का कोई हो। आगे ऐसा देखो नहीं है, हाँ, दुख का, और दुख का क्या होने से, दुख का अभाव होने से उसमें अहर्ष स्थान नहीं है। तो चार प्रकार के विभावों का निषेध किया इसमें, पहले में लिया विभाव स्वभाव के स्थान नहीं, दूसरे में लिया प्रशस्त अप्रशस्त समस्त मोहराग देश नहीं, है ना, और तीसरे में लिया हर्ष स्थान नहीं, और चौथे में लिया अहर्ष स्थान। वैसे तो उसमें आ ही गया था, उसमें आ ही गया था, वो प्रशस्त मोर प्रशस्त मोहराग देश नहीं है, तो प्रशस्त मोहराग देश नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो गया तो शुभ परिणति नहीं है और अशुभ परिणति नहीं। उससे आगे बढ़कर के फिर ये सारी बात इसमें आचार्य देव ने कही। अभी देखो, अभी इसी गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज, अब 39वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं, वो श्लोक में भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो प्रीति अप्रीति रहित शाश्वत पद है, कैसा है आत्मा, वो जिसमें प्रीति और अप्रीति का भाव नहीं है, आ गया ना, हाँ, प्रीति अप्रीति हर्ष शोक राग द्वेष वगैरह जिसमें नहीं है, तो उससे रहित और कैसा पद है कि शाश्वत पद है। ऐसा नहीं कि पहले तो प्रीति अप्रीति के भाव थे, ऐसा नहीं, आत्मा ऐसा शाश्वत पद है कि जिसमें शाश्वत रूप से ही प्रीति और अप्रीति नहीं है। सब विभावों का निषेध आ गया, हर्ष अहर्ष प्रीति अप्रीति राग द्वेष सभी आगे, वो उसमें नहीं है, ऐसा शाश्वत पद जो कैसा है, प्रीति अप्रीति से रहित शाश्वत पद है, एक। दूसरा, जो सर्वथा अंतर्मुख, कभी बहिर्मुख हुआ ही नहीं, परम पारिणामिक भाव कभी बहिर्मुख हुआ ही नहीं, ये जो आत्मा बहिर्मुख बहिर्मुख उपयोग को छोड़ो अंतर्मुख उपयोग करो, ये जो शिक्षा दी जाती है ना, ये सब वर्तमान प्रकट पर्याय को शिक्षा दी जाती है,
द्रव्य स्वभाव कभी भी बहिर्मुख नहीं होता, परम पारनामिक भाव कभी भी परम पारनामिक भाव को छोड़कर अन्यत्र गति नहीं करता, है ना। तो ये सर्वदा सर्वथा अंतर्मुख एक, और निर्भेद रूप से प्रकाशमान। निर्भेद माने भेद रहित, जो अभेद तत्व है। और ऐसा कैसा है वो, वो क्या कह रहे हैं शब्द देखो, सर्वथा अंतर्मुख और निर्भेद रूप से प्रकाशमान, ऐसा प्रकाशमान तत्व है कि हमें नजर नहीं आता। अपन बोलते हैं ना आत्मा तो नजर ही नहीं आता, आचार्य कह रहे हैं आत्मा तो है? प्रकाशमान है। सर्वथा अंतर्मुख है और अभेद रूप से अभेद प्रकाशमान है, अभेद रूप से वो प्रकाशमान है। प्रकाश कैसा है, से प्रकाश कैसा है, ऐसा प्रकाश है आत्मा, तुझे नजर नहीं आता कि ऐसा प्रकाश है, प्रकाशमान है। कभी आत्मा गुप्त रहा नहीं, कभी गुप्त नहीं रहा। कि अव्यक्त तो बोलते हैं ना, कि जब पर्याय को व्यक्त कहते हैं तो पर्याय से उसे भिन्न बताने के लिए, जगत से भिन्न बताने के लिए उसे अव्यक्त नाम दिया जाता है। अव्यक्त माने गुप्त है, छुपा हुआ है, ऐसा तत्व नहीं है। त्रिकाली तत्व त्रिकाल रूप से त्रिकाल प्रकाशमान है, जिसके लिए समय सार की छठी गाथा में नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, ये शब्द का प्रयोग किया है। कैसा है आत्मा, नित्य उद्योत रूप होने से वो क्षणिक नहीं है, मैंने वो सदा काल प्रकाशमान तत्व है। त्रिकाली तो त्रिकाली के रूप में सदा प्रकाशमान ही है ना। आप देखो अब फिर कैसा है वो, सदा प्रकाशमान ऐसे सुख का बना हुआ है। तो अपने को ऐसा लगता है कि सुख कहीं से लाया गया और वो सुख से बना है, ये भाषा है, सुख से बना है माने वो सुख स्वरूप ही है। आत्मा के असंख्य प्रदेश में, प्रदेश प्रदेश में सुख गुण व्याप्त है, आत्मा के संपूर्ण क्षेत्र और संपूर्ण अवस्थाओं में व्याप्त से गुण बोलते हैं ना। तो आत्मा के हर प्रदेश में सुख गुण व्याप्त है, सुख से बना है। अरे दुख रूप पर्याय भी वास्तव में आत्मा के सुख गुण को ही प्रसिद्ध करती है। क्यों? क्योंकि अगर गुण ही नहीं होता तो उसमें विकृति कैसे आती? विकृति भी तब आती है ना जब गुण हो, अस्थि गुण की अस्थि सिद्ध होती है, दोष से भी गुण की अस्थि सिद्ध होती है। रोटी जल गई तो इससे किस बात की प्रसिद्धि होती है कि घर में आटा है, क्योंकि आटा नहीं होता तो रोटी जलती नहीं, कहते बनी नहीं जल गई। अरे जल गई तो भी वो प्रसिद्ध किसको कर रही है, प्रसिद्ध आटे को कर रही है। इसी तरह सुख का बना हुआ है, अर्थात सर्वांग सुख स्वरूप ही तत्व है, उसमें दुख नाम का गुण नहीं। हाँ, उसको भूल करके एक समय की अवस्था में दुख का परिणाम हो वो अलग बात है, लेकिन आत्मा का स्वभाव दुख स्वरूप नहीं है, आत्मा सदा काल सुख का बना हुआ है। फिर क्या कहते हैं, नभ मंडल समान आकृति वाला, अर्थात निराकार अरूपी है, निराकार अरूपी मतलब पुद्गल जैसा आकार जिसका नहीं है, ऐसा अरूपी। अरूपी आकार तो है लेकिन पुद्गल जैसा आकार नहीं है ना, अरूपी आकार तो है। क्यों अरूपी आकार है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण है। लेकिन निराकार क्यों कह रहे हैं फिर, कि पुद्गल जैसा आकार आत्मा का नहीं है, पुद्गल का आकार आत्मा का नहीं है, पुद्गल जैसा आकार आत्मा में नहीं है, आत्मा निराकार है, आत्मा अरूपी है, अर्थात आत्मा में स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं। इसलिए आत्मा को जगत का कोई स्पर्श रस गंध वर्ण सुख का कारण नहीं हो सकता और दुख का कारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण जब आत्मा में है ही नहीं, आत्मा उनसे नितांत सुना है, रहित है, तो ये आत्मा को सुख दुख का कारण कैसे हो सकते हैं। और हम सुख की खोज करते हैं तो कहां करते हैं,
पुद्गलों में, और दुख की खोज करते तो क्या करते हैं पुद्गलों में। अमुक पुद्गल संयोग दुख के कारण हैं, दुख दुख देते हैं, और अमुक पुद्गल संयोग सुख देते हैं। मैंने हम सुख और दुख की खोज पुद्गल में करते, जबकि अरूपी आत्मा रूपी पुद्गल को स्पर्श ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि स्पर्श करने के लिए आत्मा में भी स्पर्श गुण चाहिए। पुद्गल में स्पर्श गुण है, और पुद्गल को स्पर्श करने के लिए आत्मा में कौन सा गुण चाहिए? जैसे परमाणु परमाणु को स्पर्श करे, स्पर्श करे माने स्कंद रूप अवस्था को प्राप्त हो। स्पर्श करेगा मतलब वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, वो बात नहीं है। स्पर्श करे माने एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ स्कंद रूप हो, तो कब होता है? इस परमाणु में भी स्पर्श गुण है और उस परमाणु में भी स्पर्श गुण है, है ना? तो इधर ये व्यवस्था नहीं है। पुद्गल स्कंदों में स्पर्श का परिणमन है, लेकिन भगवान आत्मा तो अस्पर्श स्वभाव ही है ना। तो अस्पर्श जिसमें स्पर्श करने का स्वभाव ही नहीं है। कोई कहेगा भाई साहब आज तो क्या गजब हुआ, क्या गजब हुआ, तो चूल्हे पर हमने आइसक्रीम जमाई, ऐसा कोई बोले आप कितना मानोगे उसकी बात को? कह रहे वाह गजब, तुम तो गजब आदमी है, चूल्हे पे आइसक्रीम जमती जमती है ना। क्यों? कि चूल्हे का स्वभाव ही उष्णता रूप है। चूल्हा कहते हैं उसे जो गर्म हो, आइसक्रीम कैसे जमेगी उसमें? तो इसी तरह पुद्गल में जब स्पर्श है और आत्मा में स्पर्श है ही नहीं, आत्मा में स्पर्श का स्वभाव ही नहीं, आत्मा स्पर्श कैसे करे? आत्मा में रस का स्वभाव नहीं, आत्मा रस को कैसे चखे? आत्मा में गंध का स्वभाव नहीं, आत्मा गंध को कैसे ग्रहण करे? आत्मा में वर्ण का स्वभाव नहीं, तो आत्मा का कलर कैसा हो? आत्मा में शब्द का स्वभाव नहीं, तो आत्मा किस शब्द से पकड़ में आवे? आ गया, पुद्गल है वो सब। तो वो यहां पे कह रहे हैं वो तो कैसा है? निराकार अरूपी है एक। उसके बाद देखो चैतन्यामृत क्या भरा क्या है उसमें? तुम तो सब में खाली, उससे खाली, उससे खाली, उससे खाली। तो हमको तो ऐसा लगता है आत्मा खाली डिब्बा है, उसमें कुछ है ही नहीं। तब आचार्य भगवान ने कहा कि चैतन्यामृत, चैतन्य रूपी अमृत। अमृत किसे कहते हैं? अमृत, जो मरता नहीं और मारता नहीं उसे कहते हैं अमृत। तो ऐसा भगवान आत्मा कैसा है? तो वो चैतन्यामृत के पूर्व से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। चैतन्यामृत का पूर्व, चैतन्यामृत की तो बाढ़ है उसमें, चैतन्य रूपी अमृत की भगवान आत्मा में कोई कमी नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा कि चैतन्यामृत के पूर्व से भरा हुआ जिसका स्वरूप है। और फिर क्या कहते हैं? जो विचारवंत चतुर पुरुषों को गोचर है। ऐसा आत्मा है तो ऐसा आत्मा हमारे गोचर क्यों नहीं हो रहा? तो आचार्य कहते हैं चतुर पुरुषों के गोचर होता है, है ना? कौन से चतुर? के विचारवंत। तुम उस स्वरूप का विचार ही नहीं करो, और विचार ही नहीं करो गोचर हो जाए। चतुर पुरुषों को, कैसे चतुर पुरुषों को? जो विचारवंत, जो उस स्वरूप का विचार करते हैं, उस स्वरूप को ख्याल में लक्ष्य में लेते हैं, ऐसे चतुर पुरुषों के गोचर है। इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर वो शुद्धात्मा स्वरूप चैतन्यामृत के पूर्व से जो भरा है, अगर वो हमें गोचर नहीं हो रहा है, तो हमें अपने को कौन सी कोटि में रखना चाहिए? अविचारी मूर्ख पुरुषों के गोचर नहीं है। ये हो गया कि नहीं हो गया? इसका अर्थ उल्टा करो तो हो गया कि नहीं हो गया? अपन क्या ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने आत्मा को गोचर किया हम उसी को विचारवंत कहते हैं, जिसने आत्मा को गोचर किया हम उसी को चतुर कहते हैं, जिसके गोचर में, जिसके ज्ञान में आत्मा गम में नहीं हुआ, वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो तो भी हम उसे अविचारी मूर्ख कहते हैं। नहीं, योगसार में लिखा है, मेरे घर की बात नहीं, योगसार में लिखा
शास्त्र पाठी भी मूर्ख है जो निज तत्व अजान। 11 अंग नौ पूर्व का पाठी उससे ज्यादा क्या जाने, मतलब आत्मा के बारे में इतना जानता है जैसे जैसे समुद्र में बाढ़ आती है ना, इसी तरह ज्ञान में शास्त्र ज्ञान की बाढ़ है, मतलब आत्मा के बारे में बहुत जानता है लेकिन आत्मा को नहीं जानता। आत्मा के शून्य है, आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी है उसके पास आत्मा के बारे में, फलाने शास्त्र में ऐसा कहा, फलाने में ऐसा कहा, उसमें ऐसा कहा, उसमें ऐसा कहा, उसमें ऐसा कहा, उसमें ऐसा कहा, तेरे में क्या कहा ये बता। तो आत्मा के बारे में जानता है लेकिन आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के बारे में जानता है लेकिन आत्मा को नहीं जानता, उसे आचार्य कहते हैं। हम विचारवंत नहीं कहते, उसे हम चतुर नहीं कहते, उसे हम अविचारी मूर्ख पुरुष कहते हैं। ये कह रहे हैं इसका, ऐसे आत्मा में, ऐसा जो आत्मा है सदा प्रकाशमान है, सुख का बना हुआ है, चैतन्य अमृत के पूर से भरा हुआ जिसका स्वरूप है, तो ऐसे आत्मा में तू रति क्यों नहीं करता, तू रुचि क्यों नहीं करता, क्या ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता? अच्छा बताओ क्यों नहीं करता? जिसे जगत में अन्यत्र कहीं रुचे उसे आत्मा में रुचे ऐसा नहीं है, और जगत में कहीं न रुचे और आत्मा में न रुचे ऐसा नहीं है। भाई श्री के वचनामत का पहला बोल, हे जीव तुझे कहीं न रुचता हो तो आत्मा में रुचि लगा, आत्मा में रुचे ऐसा है, आत्मा में आनंद भरा है वहां अवश्य रुचेगा। लेकिन शर्त क्या, जगत में कहीं न रुचता हो तो, अभी जगत के संयोगों में रुचता हो, जगत के शुभ भाव में रुचता हो, साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों कर्म के बंध में रुचता हो, अनुकूल संयोग अच्छे लगते हो, है ना, आत्मा के अलावा अन्य कोई भी अधिक दिखता हो, आत्मा के अलावा दूसरा कोई भी अधिक दिखता हो, आत्मा से अधिक दिखता हो तो उसे आत्मा में नहीं रुचेगा। इसलिए आचार्य भगवान प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे आत्मा में तू रुचि क्यों नहीं करता, और दुष्कृत रूप, शब्द ध्यान देना, दुष्कृत रूप संसार के सुख की वांछा क्यों करता है। संसार कैसा है? संसार कहते हैं वो तो दुष्कृत है, वो तो माने ये तो दुष्कृत्यों का फल है संसार। दुष्कृत का मतलब क्या हुआ? दुष्कृत्य माने खोटे कर्म, खोटे कर्म किए उसका फल है संसार। खोटे कर्म का मतलब क्या हुआ? आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव किए, आत्मा का स्वभाव राग रहित है, तुमने राग का परिणाम किया तो राग का परिणाम किया, उसमें मंद कसाय का परिणाम किया तो देव हो गए, तो देव हो गए तो सुकृत का फल कि दुष्कृत का फल? अरे संसार मिलना, संसारातीत मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को संसार की जेल में रहना, ये सुकृत कैसे हो सकता है? ये तो दुष्कृत है। पुण्य पाप मिल दोई, पायन बेरी डारी, तन कारागृह माई, मोहे दियो दुख भारी। ये स्तुतियां खाली बोलने के लिए? पुण्य पाप मिल दोई, पायन बेरी डारी, और उसमें एक और लिखा है तन कारागृह बनिता बेड़ी और परिजन है रखवारे। तन कारागृह शरीर है वो कारागृह है, वनिता माने स्त्री वो बेड़ी है, और परिजन क्या है? गनमैन है, चौकीदार है ना, परिजन है रखवारे। रखवारे माने किसकी रखवाली की जाती है? जो जो बहुत बड़ा ज्यादा बदमाश हो ना, माने जो ज्यादा माने समझ लो क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, आज की भाषा में क्या बोलेंगे उसे, ज्यादा आतंकवादी हो बहुत ज्यादा, तो वो उसको खाली जेल में रखते ही नहीं, जेल में रखते हैं, बेड़ी से बांधते हैं और गनमैन उसकी पहरेदारी करते हैं। इससे किस बात का पता चलता है? ये बहुत पावरफुल है, नहीं ये पावरफुल कैदी है, और बाकी सामान्य कैदी हो तो पुलिस वाला कहे जा वो लेके आ,
खुले में घूमता रहता है, और अपना कोई काम हो ना पुलिस वाले का, जा घर पे सब्जी दे आना, है उसको गुटखा खाने की आदत, तो जा मेरा गुटखा लेके आ और फटाफट आ जाना, ज्यादा देर मत बाहर रहना, इतना कह दे और वापस वो आ जावे, तो अपन क्या समझते हैं कि ये ज्यादा खतरनाक कैदी है। थोड़ा खतरनाक हो तो फिर क्या करते हैं, तो उसको जेल की कोठरी में बंद करके बेड़ियां बांध दी जाती, हथकड़ी बेड़ी, जिससे वो चल नहीं सके, और ज्यादा खतरनाक हो तो फिर दो गनमैन और के बेटा अगर बाहर निकलने की कोशिश भी की तो पहली बात तो तू निकल नहीं पाएगा, और निकलने की कोशिश की तो ये गनमैन है ना, ये तेरे को गोली उड़ा, गोली से उड़ा। ये है स्थिति संसार की, पुण्य पाप मिल दोई, और इसमें इसमें कौन है कारणभूत, कि पुण्य और पाप दोनों दोनों ने मिलकर के पावन पायन बेरी डाली, पांव में बेड़ी डाली। और गुरुदेव श्री एक बार सब आप न्याय कहते थे, वो कहते देखो लोहे की बेड़ी से ज्यादा खतरनाक सोने की बेड़ी है, एक तो उसका वजन ज्यादा होता है सोने का, लोहा लोहे का टुकड़ा लेना और उसके बराबर सोने का टुकड़ा ले लेना, तोल लेना दोनों को, है ना, और सोना ज्यादा चिकना होता है, सोने पर ज्यादा मुग्ध होते हैं लोग, लोहे पे कौन मुग्ध होगा, लोहे पे ही पड़ा रहता है बाहर, सोने का बिस्किट पड़ा रखो तो जाने, तो इसका मतलब क्या हुआ, पुण्य ज्यादा खतरनाक है, पाप में तो तुम बच जाओगे, लोग भी कहेंगे अरे क्या 24 घंटे पाप में लगा रहता है, सुधरने के, और जितने धर्म की दुकानें देश में चल रही है, धर्म नहीं लेकिन धर्म की दुकानें जो देश में चल रही है वो भी पाप छुड़ाने की बात तो कर ही देते हैं, भले कैसे भी करें करते हैं। जैन दर्शन कहता है कि नहीं यहां से शुरुआत करो, पाप तो तुम मंदिर में आए तो छोड़ के ही आए हो, पाप लेके कोई मंदिर में नहीं आया, और मंदिर में भी पाप परिणाम लेके आवे तो फिर कहना ही क्या है, अब यहां आकर के जो ऑपरेशन होना है वो पुण्य का होना है, वो यहां पर कह रहे हैं। देखो तो वो कहते हैं दुष्कृत रूप संसार के सुख की वांछा क्यों करता है, क्यों करता है, माना सुख है ही नहीं ना वहां पे भाई साहब, सुख हो और तुम वांछा करो, क्या कहा, सुख हो संसार में और तुम वांछा करो तो समझना आता है, और संसार में सुख है नहीं कि कैसे जाना, कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ है ना, ये तो बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीन तीन पदवियों के धारी, तो इनको क्या, इनका क्या हो गया था, इनको कोई कमी नहीं किसी तरह, फिर क्यों त्यागा उन्होंने, जो संसार विशेष सुख हो तो आ गया, इतना सुख बाहर की दृष्टि से देखे तो चक्रवर्ती से ज्यादा सुख मनुष्यों में और किसको हो सकता है, बाहर की दृष्टि से लौकिक सुख की बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि चक्रवर्ती मनुष्यों का इंद्र होता है, हाँ सो इंद्रों में एक इंद्र मनुष्यों का चक्रवर्ती होता है ना, तो सुख की क्या कमी उसको, और शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ ये तो तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, फिर भी इन्होंने संसार का त्याग करके, माने स्वभाव की आराधना के लिए जो सब घर परिवार सबको छोड़ करके वन जंगल में आत्मा की सिद्धि के लिए गए, नग्न दिगंबर दशा अंगीकार की, इसका मतलब क्या हुआ कि चक्रवर्ती के पद से कहीं अधिक कहीं गुना सुख उस नग्न दिगंबर भावलिंगी संत की दशा में है, तभी तो चक्रवर्ती मुनिराज को नमस्कार करता है कि नहीं, मुनिराज नमस्कार करते चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती मुनिराज को नमस्कार करते, चक्रवर्ती करता है तो चक्रवर्ती नमस्कार करता है तो थोड़ा मुनिराज ऐंठ में आ जाते होंगे, कहते वो चक्रवर्ती आ रहा थोड़ा ऐसे बैठू में, अरे चक्री वंदन करे तो भी जिनके परिणामों में जरा मान नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज तो मेरे को प्रधानमंत्री नमस्कार करने आया, चलो डालो फोटो व्हाट्सएप पे, पत्रिका में छापो फोटो, भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग मिलने आवे ना, राजनेता या फिल्म अभिनेता, उनके फोटो, उनके साथ फोटो छपते हैं पत्रिका में, ये मुनि धर्म की घोर अवहेलना और घोर आवरणवाद नहीं है तो और क्या है, अगर तुम मुनि हो तो
ऐसा नहीं होता है। चक्रवर्ती वंदन करे तो चक्रवर्ती मुनिराज को वंदन करके अपना सौभाग्य समझता है, मुनिराज अपना सौभाग्य नहीं समझते कि आज चक्रवर्ती वंदन करने आया, मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा नाम कितना फैल गया है कि चक्रवर्ती भी मुझे जानता है। क्या है इसमें, चक्रवर्ती जाने तो उससे क्या हो जाएगा। देखो ये है बात, तो ये आ गया। तो कहते भाई तू ऐसे दुष्कृत रूप संसार सुख की वांछा क्यों करता है, ये प्रेरणा दी आचार्य भगवान ने। अब इसके बाद 40 नंबर की गाथा आई, और इस 40 नंबर की गाथा का विषय बहुत बढ़िया विषय है, बहुत गंभीर विषय है। जरा इसका टीका की पहली लाइन पढ़ेंगे, पहले इसमें विषय क्या है पहले वो देखते हैं और उसके बाद फिर गाथा पढ़ेंगे। देखो यहां अर्थात इस गाथा में प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध के स्थानों का तथा उदय के स्थानों का समूह जीव को नहीं है ऐसा कहा है। मतलब चार प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध और उदय स्थान, मतलब इन बंध का उदय आवे, तो ये उदय का स्थान, बंध भी नहीं है जीव में और उदय भी जीव में नहीं है। अभी देखो गाथा, नोठि दिबंध ठाणा पैडी ठाणा प्रदेश ठाणा वा नो अनुभाग ठाणा जीवसन उदय ठाणा वा नहीं प्रकृति स्थान प्रदेश स्थान ने और स्थिति बंध स्थान नहीं नहीं जीव के अनुभाग स्थान तथा उदय के स्थान नहीं। पूरा करणान योग आ गया, पूरा करणान योग, जीव के प्रकृति बंध कैसे होता है, जीव के प्रदेश बंध कैसे होता है, जीव के स्थिति बंध कैसे होता है, जीव को अनुभाग बंध कैसे होता है, जीव को किस कर्म का किस गुण स्थान में किस कर्म का उदय आता है, पूरा करणान योग जिस की व्याख्या से भरा है आ गया। उस पूरे विषय पर, वो व्यवहारने का विषय, वो भी ज्ञान करने लायक विषय है, जानने योग्य है। जब जीव अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता और विभाव रूप पर्याय में परिणमता है तब कर्म में संयोग रूप में कैसी दशा होती है उसका ज्ञान करना नहीं हो कराता है, ठीक है। लेकिन द्रव्यानियो क्या कहता है कि कैसे जीव को तू भूला, जीव तो प्रकृति बंध के स्थान से रही, प्रदेश बंध के स्थान से रही, अनुभाग बंध के स्थान से रही, स्थिति बंध के स्थान से रही, उदय के स्थान से रहित है, ऐसे जीव को भूला तो पर्याय में योग और कषाय का परिणमन हुआ, ठीक है। और योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध हुए, कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध हुए, और जब बंधे हैं तो उनका उदय भी आएगा। ये सब खेल होगा लेकिन शुद्ध जीवास्थि काय में कुछ नहीं होगा। आया समझ में आ गई कि नहीं। क्या चार प्रकार के बंध कौन कौन से जरा समझ लो इनको भी, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अभी चार प्रकार के बंधों का सामान्य स्वरूप अपन समझते हैं। क्या होता है कि जब कोई भी जीव किसी भी जीव के वर्तमान एक समय के परिणाम में योग का कंपन और कषाय का परिणाम, दो चीजें चलती है, योग का कंपन चलता है और कषाय का परिणमन चलता है। योग का कंपन चलेगा 13वें गुणस्थान तक और कषाय का परिणमन चलेगा 10वें गुणस्थान के अंत तक, ठीक है। ये परिणमन चलेगा जहां जिस गुणस्थान में जो संभव वो लगाएगा। अभी क्या होता है कि जब एक पहले क्या होता है कि योग द्वार से मान आत्मा के प्रदेश कंपते हैं, कंपायमान होते, आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, तो प्रति समय एक समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध पौद्गलिक कर्म पुद्गलों का आना होता है। समय प्रबद्ध माने क्या, सिद्धों से अनंत गुणे
और अभव्य राशि के अनंत में भाग, ऐसा कुछ उसका माप है। ठीक है, इतने परमाणु आते हैं। अब इतने परमाणु जब आते हैं तो वो परमाणु जितने आए योग के निमित्त से, जितने परमाणु आए परमाणुओं की उन संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। आ गया, प्रदेश बंध हो गया। अब प्रदेश बंध होने के बाद फिर उनका सिद्धांत में जिस तरह विभाजन कहा, मिथ्या दृष्टि है तो उसको कितनी प्रकृतियों में कौन सा जाएगा, समय दृष्टि को, सब सबके लिए नियम है। तो वो जो जितने कर्म परमाणु आए उन परमाणुओं में से मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों में उनका विभाजन होता है। माना कि 100 परमाणु आए, माना कि से चलो 100 परमाणु आए, तो 100 परमाणु में से फिर 8 कर्मों की मूल प्रकृतियों में उनका बंटवारा होता है। जैसे चोर चोरी करे और फिर माल बांटे, सब अपना अपना हिस्सा ले लो, वो ऐसा खेल है। तो अभी क्या हुआ कि वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोनी अंतराय नाम गोत्र और वेदनी, और अगर आयु कर्म का बंद हो गया हो तो आयु, नहीं तो 7 कर्म प्रकृतियों में, और आयु कर्म का बंद होने पर 8 में। सिद्धांत में जैसा कहा तद अनुसार उनका विभाजन होता है। 100 में से मानो कि ज्ञानावरण को 10 मिले, तो 10 मिले तो फिर उसके भेद पड़ेंगे, और कि मति ज्ञान में कितने जाएंगे, मति ज्ञानावरण में कितने, शुद्ध ज्ञानावरण में कितने, अवधि ज्ञानावरण में कितने, मनपर्य ज्ञानावरण में कितने, केवल ज्ञानावरण में कितने, ये सब। तो वो जो प्रकृतियों में, मैंने कर्म प्रकृतियों में उन पुद्गल परमाणुओं का जो बंटवारा होता है उसको बोलते हैं प्रकृति बंध। आ गया। अब उस जीव के साथ प्रकृति और प्रदेश बंध होता है योग से, लेकिन अगर कसाई नहीं हो तो वो प्रकृति कर्म परमाणु आए और बिना बंधे चले जाते हैं अरिहंत परमात्मा को। जैसे होता है ना ईर्यापथ आश्रय होता है, वो ईर्यापथ आश्रय माने रास्ते में आते हैं और चले जाते हैं, रुकते नहीं। और जब जीव को कषाय भाव होता है, कषाय में मिथ्यात्व, जो ये मिथ्यात्व बंध में अकिंचित कर जो पंचम काल का नया आविष्कार आया ना, गुंडाव सर्पणी काल का नया आविष्कार मिथ्यात्व बंध में अकिंचित कर, वो इसी गलती से आया है। कषाय से स्थिति अनुभाग बंध होता है, तो कषाय माने राजदेश, लेकिन ये पता नहीं कि मिथ्यात्व वो कषाय का पिताजी है, और मिथ्यात्व राग द्वेष इन तीनों का एक नाम कसाय है। कस प्लस आय, कस माने संसार, आय माने इनकम, अथवा कस प्लस आय, कसाय माने जिस भाव से आत्मा कसा जाए, अर्थात आत्मा पीड़ित हो, आत्मा दुखी हो, तो क्या मिथ्यात्व से आत्मा दुखी नहीं होता? तो वो है कसाय, मिथ्यात्व और सभी कसाय, वो सब राजद्वेष माने राजद्वेष, राजद्वेष में सभी आ गए, तो वो सब होते, वो सब भेद है कसाय के। तो अब जिस जीव को जिस जाति की कसाय है, मिथ्यात्व तीव्र है, मंद है, रागादि की कसाय की तीव्रता मंदता, तो उसके हिसाब से वो जो प्रकृतियां बंधी, प्रदेश बंद होकर के जो प्रकृति बंद हुआ, उन प्रकृतियों में ये प्रकृति में ये कर्म इस जीव के साथ कितने काल तक रहेगा, माने जीव के संयोग में कर्म के रहने की अवधि वो कसाय के हिसाब से तय होती है, मिथ्यात्व और कसाय के हिसाब से। जिसको मिथ्यात्व तो नहीं है उसको मात्र कसाय के हिसाब से तो वो तय होती है। तो वो होगी, वो जितने कर्म, जितने समय तक वो कर्म उसके साथ में रहेगा संयोग रूप में, उसको बोलते हैं स्थिति बंध। और इस कर्म की फलदान शक्ति क्या आएगी? आ गया। तो फलदान शक्ति माने कितना फल देगा ये कर्म निमित्त रूप में। ये सब निमित्त की, देखो करणान योग में सब भाषा निमित्त की चलती है, कर्म फल देगा तो कर्म फल देता है क्या, लेकिन भाषा में ऐसे ही बोला जाए, निमित्त निमित्त समझ ना, तो बोले इस कर्म के फल देने की सामर्थ्य रूप जो शक्ति है उसको बोलते हैं अनुभाग बंध। अनुभाग माने फलदान शक्ति, स्थिति बंध माने कर्मों को जीव के साथ रहने की काल मर्यादा, प्रदेश बंध माने कर्म पुद्गलों के जितने परमाणुओं को ग्रहण किया वो, और प्रकृति बंध माने सिद्धांत के अनुसार उसमें कर्म प्रकृतियों में और उत्तर प्रकृतियों में उनका विभाजन होना, और ये सब काम होता है
स्थित कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, और इनमें प्रमुख बंध जो है ना वो कसाय से होने वाला स्थिति और अनुभाग बंध वो प्रमुख बंध है, योग से होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंध की प्रमुखता नहीं है, इसलिए उसे कहा गौण बंध और इसे कहा मुख्य बंध। ये सब व्यवस्था है और ये पूरा का पूरा कर्णान योग में ये पूरा खाका खींचा हुआ है इसका, कैसे क्या होता है आ गया। इसलिए एक एक समय के परिणाम के आधार पर हर समय कर्म परमाणु का ग्रहण तो हो ही रहा है, योग हर समय हो रहा है तो हर समय हो रहा है ना, और उसमें कसाई के अनुसार स्थिति और अनुभाग बंद होता है। ये सब खेल, योग भी आत्मा की एक समय की विकारी पर्याय और कसाय मान मिथ्यात्व और कषाय भी आत्मा की एक समय की विकारी पर्याय, ठीक। और कर्म का प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध वो पुद्गल की रचना, ठीक है, तो वो पुद्गल की रचना और उस पुद्गल की रचना में निमित्त कौन, कि योग और कसाय, योग और कषाय। त्रिकाली स्वभाव, कि त्रिकाली स्वभाव योग में कारण नहीं और त्रिकाली स्वभाव कसाय में कारण नहीं, जब योग और कसाय में वो कारण नहीं तो योग और कसाय से बंधने वाले प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध उस त्रिकाली स्वभाव में कैसे हो सकते हैं। ऐसे त्रिकाली स्वभाव को भूला, इसलिए पर्याय में योग और कंपन की दशा होकर चार प्रकार के बंध की दशा हुई। आ गया, इसको ऐसे भी घटित कर सकते हैं, आत्मा की प्रकृति को भूला, प्रकृति बंध में गया, आत्मा के असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा को भूला, प्रदेश बंध में गया, आत्मा की अनादि अनंत स्थिति को भूला, स्थिति बंध में गया, आत्मा के अनंत अनुभाग अर्थात आत्मा कैसा फलदान शक्ति का अनंत काल तक जिसमें से अनंत केवल ज्ञान निकलता रहे, अनंत सिद्ध दशा निकलता रहे, ऐसा फल देने की भगवान आत्मा में सामर्थ्य है। अंतर्मुख होकर के जो परिणति उसमें अंतर्मुख होती है तो अनंत काल तक अनंत आनंद का अनंत फल देता रहे, ऐसा आत्मा का अनुधान अनुभाग सामर्थ्य है। उसको भूला, कर्म के अनुभाग बंध में गया। ये द्रव्य संग्रह की शैली में करोगे तो ये अर्थ होगा। वो ऐसे कहते हैं कि प्रकृति बंध क्यों हुआ, कि तू चैतन्य की प्रकृति को भूला ना तो प्रकृति बंध हो गया तेरे। प्रदेश बंध क्यों हुआ, कि तू असंख्यात प्रदेशी आत्मा को भूला ना, ये उसका परिणाम है प्रदेश बंध, है ना। आत्मा की अनादि अनंत स्थिति को भूला, इसका परिणाम ये स्थिति बंध है। और आत्मा के बेहद अनुभाग सामर्थ्य को भूला, उसके फल में तेरे को ये अनुभाग बंध का सामना करना पड़ा। और ऐसे आत्मा को तू लक्ष्यगत करे तो ना प्रकृति बंध, ना प्रदेश बंध, ना स्थिति बंध, ना अनुभाग बंध, और जब ये बंध ही नहीं तो उदय किसका। इतनी सी बात, खेल इतना सा है। आत्मा के भूलने में इतना इतनी तकलीफ है और आत्मा को स्मरण करने में इतना आनंद है, आत्मा को ये करने में। आ गया, शेष चर्चा।